ब्रिज कोर्स की एक्टिविटी है। वैसे तो क्या ब्रिज कोर्स क्या ये आपके तो जो मेन कोर्स है उसमें भी ये एक्टिविटी आएगी राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनका साउंड जो एंडिंग साउंड है वो सिमिलर हो। एंडिंग साउंड सिमिलर हो मतलब जिसको हम हिंदी में कहें तो तुकांत सेम हो, है ना। ज़्यादातर पोएट्री वगैरह में गीतों में इनको यूज़ किया जाता है। जैसे ट्री का मी मी, ठीक है, हाँ ट्री का मी, सॉन्ग का लॉन्ग, ठीक है। इस तरह से आपको आ रहे राइमिंग वर्ड समझ में, है ना। अब हम इस एक्टिविटी को कैसे करेंगे, आप में से ये जो इतने सारे वर्ड्स दे रखे हैं इनमें इनके पेयर बनाना है। पेयर मतलब दो, तो इसलिए आपको बच्चों को भी दो दो को एक साथ करना है। और आप देखेंगे कि एक बच्चा जो आपके लिखेगा अगर कोई एक वर्ड इसमें चूज कर लिया तो दूसरा जो उसका साथी है उसको उसी का राइमिंग इसमें से सर्च करके लिखना है। स्पेलिंग भी आपको इसी में लिखनी पड़ेगी। तो चलिए दो बच्चे आइए पहले और कोई एक वर्ड चूज करें। चलिए आ जाइए आप, चलिए कोई एक वर्ड इसमें से चूज करो उसकी स्पेलिंग। और आप एक फिश इसमें से उठाइए और आप कोई से भी कलर ले लो, ठीक है। कौन सा वर्ड ले रही हो पहले बताओ और इसको बताओ आपने कौन सा लिया है, क्योंकि जो हमारे होते जाएंगे ना ये इसने ले लिया भाई पॉकेट। पॉकेट आप लिखो स्पेलिंग। और इसका राइमिंग वर्ड आपको लिखना है। क्या नाम है आपका? तनुषी। ध्यान रखना राइमिंग वर्ड सेम होना चाहिए। लिखा क्या? अगर आपने लिख दिया तो आप इसका अपना ध्यान चिपका लीजिए।
नीचे ना नीचे क्योंकि एक मैं चाहिए अलग से एफ सी टू ठीक है रॉक और पॉप दिख रहा है हाँ चलिए वेरी गुड क्या लिखा है दे किधर है दे तेरा दे क्या नाम है आपका महिमा ने दे लिखा है और आपका नाम क्या लिखे अभी लिखा थोड़ा सा दोनों ने सेम कलर लिया कोई बात नहीं एक के ऊपर एक चिपकाओ थोड़ा सा ठीक है कोई बात नहीं इनको एक सही कलर पसंद है चलिए आइए क्या नाम है आपका बालेश्वर क्या लिख रहे हो एक्स लिख रहा है बालेश्वर एक्स लिख रहा है अब आपका नाम दिव्यांशु क्या लिख रहे हो इधर लिखो मालूम पड़े कि दोनों ने एक से हाँ एक से नहीं लिखे करेक्ट स्पेलिंग भी लिखिए और इनके सबके अर्थ भी पता है आपको yes, बहुत बढ़िया बात है चलो वैक्स देखो क्या लिखा वैक्स का थोड़ा सा डार्क कर दो इसको नहीं दिख रहा है ये वैक्स का राइमिंग वर्ड लिखा है इन्होंने क्या लिखा है आप खुद देखिए वैक्स का एक्स चलिए अब लास्ट अब तो दिख ही रहा है आ जाइए आइए दो बच्चे एक साथ आइए शरफ हाँ आ जाइए आई आओ चलिए हाँ जो हो गया है वो नहीं लिखना है आपको बहुत आसान हो गया लास्ट वाले के लिए लेकिन आसान तो सभी के लिए है क्योंकि आपको कोई भी वर्ड है उसको प्रोनाउंस करके देखना है कि आप उसका उच्चारण क्या कर रहे हैं पॉकेट जोर से बोल के देखेंगे पॉकेट फिर आप बोल के देखेंगे कि अरे कौन सा आ रहा है ना तो पॉकेट का इसी तरीके से राइमिंग वर्ड्स अपने आप अब आप यहाँ बना दीजिए ठीक है ये सही है एक बार देख लीजिए ठीक है
राइमिंग वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए? यस मैम। कौन से होते हैं राइमिंग वर्ड्स जिनके एंडिंग साउंड सेम है ना? तो आपको कभी भी पोएट्री में पूछा जाएगा कि राइमिंग वर्ड्स लिखिए, जितनी भी पोएट्री है तो आप उन्हें ढूंढने की कोशिश करिए। जब भी आप पोएम को रीड करें तो एक अपनी यह आदत बना लें कि जब भी हम पोएम रीड करें तो हम भी ये देखें कि क्या राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू दो लाइन में आए, कभी ऐसा भी होता है पहली और चौथी लाइन में आता है, तो एक वो राइमिंग स्कीम भी पूछते हैं, है ना? वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आइए देखेंगे कि हम किस तरीके से राइमिंग स्कीम को पहचानते हैं। ये तो अगर दो लाइनें हुई दोनों में ऐसा पहचान में आ गया तो कर सकते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि कंटिन्यू दो लाइन में नहीं आता है ना, तो कब वो रिपीट हो रहा है राइमिंग स्कीम। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया।